हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग टिप्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड सहायक अध्यापक मानदेय अपडेट मार्च 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, साकिल भाई जान के लिए दोबारा एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है मानदेय को लेकर। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं थंबनेल में बताया गया है कि झारखंड सहायक अध्यापक मानदेय अपडेट मार्च 2023 के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साकिल भाई जान के द्वारा अपडेट दिया गया है कि साकिल भाई जान क्रोधित। ठीक है, मानदेय में देरी, यानी कि किस कारण से मानदेय में देरी होगा, मैं आप लोग इस वीडियो में बताऊं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जरूर बेल आइकन को प्रेस कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर, ताकि सर जो भी अपडेट आएगा आपके चैनल पर देखने को मिल जाए वो भी सबसे पहले। चलिए देखते हैं क्या मानदेय अपडेट आया है साकिल भाई जान के द्वारा, उस अपडेट पर आपको ले चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका मानदेय अपडेट दिया गया है कि बार बार आग्रह करने के बावजूद कोडरमा, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, गोड्डा, पलामू जिले के चिट्ठी अभी तक नहीं पहुँचा, यानी कि इन डिस्ट्रिक्टों का जो है कि अभी तक चिट्ठी अभी तक नहीं पहुँचा है परियोजना कार्यालय में। ठीक है, अभी तक जो है इनका डाटा अभी तक नहीं पहुँच पाया है, यानी कि टोटल जो है कि 11 जिले का जो है कि अभी तक डाटा अपलोड नहीं किया गया है। तो यदि आज इन जिलों का समय पर चिट्ठी पहुंच जाता है तो ठीक है, वरना कल से कार्यालय में अवकाश रहेगी। रविवार तक फिर मानदेय भुगतान की प्रक्रिया सोमवार मंगलवार को ही शुरू हो सकती है, यानी कि आज अगर नहीं आपका डाटा अपलोड होता है तो आपका जो है कि रविवार तक आपका छुट्टी रहेगा, फिर आपका जो है कि मानदेय में देरी हो सकता है, क्योंकि मानदेय में जो है कि सोमवार और मंगलवार को ही शुरू हो सकते हैं मानदेय को लेकर। यह साकिल भाई जान के द्वारा अपडेट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर साकिल भाई जान का अपडेट जो दिया गया है यहाँ पर, यानी कि मानदेय में आप लोग का देरी हो सकता है, क्योंकि आपका जो है कि अभी तक डिस्ट्रिक्ट 11 डिस्ट्रिक्ट का अभी तक जो है कि डाटा अपलोड नहीं किया गया है, मतलब परियोजना कार्यालय में अभी तक नहीं लेटर पहुंच पाया है। ठीक है, तो इसी के चलते जो है कि आप लोग का मानदेय में देरी हो सकती है, साकिल भाई जान के द्वारा अपडेट दिया गया है। ठीक है, तो जल्द से जल्द जो है कि आपने जो अगवा साथी है वो जल्द से जल्द अपना डाटा को अपलोड करवाइए, ताकि जल्द से आपका मानदेय भुगतान हो सके। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अपडेट देना था तो वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करिए, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर, ताकि सर जो भी अपडेट आएगा आपको सीन पर देखने को मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।